Hello dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about osmotic pressure, reverse osmosis and laws of osmotic pressure. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के चैप्टर में परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण और परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टार्ट किया जाए सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से, परासरण दाब। देखिए परासरण दाब क्या है, यह एक प्रकार का दाब है, प्रेशर है। कैसा प्रेशर है, जो सॉल्यूशन में विलयन में उत्पन्न होता है। तो अगर हम किसी भी शुद्ध विलायक और विलयन सॉल्यूशन को अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर देते हैं, एक तरफ शुद्ध विलायक और दूसरी तरफ विलयन ले, बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दे, तो यहां पर परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस की फिनोमिनन प्रारंभ हो जाएगी। परासरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह अर्ध पारगम झिल्ली से होकर, अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह होता है, किधर से किधर, शुद्ध विलायक से विलयन में। तो जैसे जैसे ये परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली को पार करते हुए शुद्ध विलायक से विलयन में जाने लगेंगे। जैसे जैसे परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली को क्रॉस करते हुए शुद्ध विलायक से विलयन में जाते हैं। जैसे जैसे विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक से विलयन में जाएंगे, यहां पर विलायक का तल गिरता जाएगा और यहां पर जो विलयन का तल ऊपर की तरफ उठता जाएगा। जैसे जैसे विलायक के अणु अर्ध पारगम झिल्ली को क्रॉस करके शुद्ध विलायक से विलयन में आएंगे, विलयन का तल ऊपर की तरफ बढ़ेगा और शुद्ध विलायक का तल नीचे होता जाएगा, क्योंकि विलायक के अणु विलयन में चले जा रहे हैं। यही परासरण ऑस्मोसिस होता है। ऐसा नहीं कि शुद्ध विलायक से विलायक के अणु केवल विलयन में ही जाते हैं, कुछ विलायक के अणु विलयन से विलायक में भी आते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। तो नेट फ्लो, कुल प्रवाह हमें किधर से किधर दिखाई देता है, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ ही दिखाई देता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब साम्य, इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो एक निश्चित ऊंचाई पर विलयन पहुंचकर रुक जाएगा, उसके ऊपर विलयन का तल नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक प्रकार का दाब उत्पन्न होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। यह दाब क्या करेगा, विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम झिल्ली को क्रॉस करके शुद्ध विलायक से विलयन में आने से रोक देगा। यही जो दाब होगा, यही जो प्रेशर होगा, जो विलायक के अणुओं को पुनः शुद्ध विलायक से विलयन में नहीं आने देगा, यानी परासरण की क्रिया को पूरी तरह से रोक देगा, यही जो दाब होगा, इसी दाब को, इसी प्रेशर को हम परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब यह ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब कितना होगा, द्रव स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होगा। यहाँ पे एक प्रकार का द्रव स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। वो क्या होगा, देखो द्रव स्थैतिक दाब यह जो विलयन की ऊंचाई है, हाइट ऑफ सोल्यूशन एच, विलयन का घनत्व, ये पूरे विलयन की डेंसिटी डी, और गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, एच डी और जी, इन तीनों का गुणनफल विलयन का परासरण दाब होगा, जो द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, एच डी जी का गुणनफल होता है। यही जो दाब होगा, यही दाब क्या करेगा, विलयन में और ज्यादा विलायक के अणुओं को नहीं आने देगा, ठीक है। इसी दाब को हम विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। परासरण दाब इस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर हो जाएगा, द्रव स्थैतिक दाब ही विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। परासरण दाब को पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करो या पाई से,
तो अब परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर की हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब क्या होता है। देखो क्या होता है डेफिनेशन, ध्यान समझिए कि किसी विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर, किसी विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। किसी विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब HDG, यही विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्या हो गया, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड्स अप व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मींस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो हमने क्या करा था, हमने यह किया है, एक तरफ क्या लिया सॉल्यूशन, एक तरफ लिया प्योर सॉल्वेंट, बीच में लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर क्या होगा, ऑस्मोसिस की फिनोमिनन स्टार्ट हो जाएगी। ऑस्मोसिस की फिनोमिनन जैसे जैसे स्टार्ट होगी वैसे वैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स SPM के थ्रू SPM को क्रॉस करते हुए प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने लगेंगे, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अब जैसे जैसे ऑस्मोसिस होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्वेंट का लेवल कम होता जाएगा, सॉल्यूशन का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एक डेफिनेट पॉइंट पर क्या हो जाता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, यह पूरा सॉल्यूशन एक प्रेशर क्रिएट करेगा, किस पर क्रिएट करेगा SPM पर, अर्धपारगम झिल्ली पर, ताकि और ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर ना करने पाए। यही जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस के फिनोमिनन को चेक कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। यह किसके इक्वल होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, सॉल्यूशन के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सॉल्यूशन की हाइट और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इन तीनों का प्रोडक्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, इसको पी से या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक दूसरा डायग्राम हमने दिखाया हुआ है, एक तरफ हमने क्या लिया है इधर सॉल्वेंट, एक तरफ है ये सॉल्वेंट और दूसरी तरफ है क्या सॉल्यूशन, दूसरी तरफ है सॉल्यूशन, एक तरफ सॉल्वेंट है दूसरी तरफ सॉल्यूशन, बीच में क्या लगाया हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली, एक तरफ विलायक दूसरी तरफ विलयन। अब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो विलायक के अणु किधर जाते हैं, शुद्ध विलायक से विलयन में, लेकिन हमको क्या करना है आगे परासरण की क्रिया को नहीं होने देना है, यानी विलायक के अणुओं को शुद्ध विलायक से विलयन में प्रवेश नहीं करने देना। इसके लिए पहले से हमने क्या लगा रखा है पिस्टन, दबाव डालते हैं पिस्टन के द्वारा यहाँ पर दबाव डालें, किस पर सॉल्यूशन पर, इतना प्रेशर डालेंगे सॉल्यूशन साइड पर विलयन के ऊपर ताकि विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में प्रवेश न कर सके, यानी परासरण की क्रिया ऑस्मोसिस की फिनोमिनन रुक जाए, इसी को कहते हैं। जितना बाहर से कम दबाव डालते हैं विलयन पर ताकि परासरण की क्रिया रुक जाए, इसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, यानी शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए कम से कम बाह्य दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइट टू प्रिवेंट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन,
एक तरफ हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, दूसरी तरफ सॉल्यूशन लिया, बीच में लगा दिया एसपीएम सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अब परासरण ऑस्मोसिस होना शुरू होगा, तो ऑस्मोसिस ना होने पाए यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन में इंटर ना कर सके, ऑस्मोसिस रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए, तो पिस्टन के द्वारा सॉल्यूशन पर हम जितना प्रेशर, मिनिमम प्रेशर डालेंगे, इसी को कहेंगे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक दूसरी डेफिनेशन भी हमने बता दिया। एक तीसरी डेफिनेशन भी ऑस्मोटिक प्रेशर की सुन लीजिए। देखो ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो हम क्या करें, पिस्टन के द्वारा सॉल्यूशन पर इतना प्रेशर डालें कि इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक तरफ विलयन, दूसरी तरफ, एक तरफ विलयन दूसरी तरफ विलायक हमने लिया, बीच में एसपीएम लगा दिया। अब पिस्टन के द्वारा विलयन पर इतना दबाव डालें कि विलयन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर विलायक सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो कम से कम ऐसा करने के लिए जितना दबाव डालना पड़ता है, इसी को कहते हैं विलयन का परासरण दाब। इस तरह से हमने परासरण दाब की तीन डेफिनेशन समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन देख लेते हैं, क्या है ये, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, आरओ। नाम सुना होगा आरओ, आरओ मशीनें होती हैं। तो अब देखो, पानी फिल्टर करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए आरओ मशीन लगाते हैं। आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का रिवर्स, प्रतिलोम परासरण। ऑस्मोसिस परासरण का उल्टी प्रक्रिया हो, परासरण में ऑस्मोसिस में क्या होता है, विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में जाते हैं अर्ध पारगम झिल्ली से होकर, ठीक है। परासरण अगर हम होने देंगे तो शुद्ध विलायक से विलयन में अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणु जाने लगते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण, ऑस्मोसिस। लेकिन हम क्या करें, एक तरफ विलयन है, दूसरी तरफ विलायक है, बीच में क्या लगा दिया, अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अब पिस्टन के द्वारा इस पर हम दबाव डालें, कितना दबाव डालें, जितना विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर हम लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर विलयन पर पिस्टन के द्वारा लगा दें, ऑस्मोटिक जितना विलयन का परासरण दाब है उससे ज्यादा का दाब पिस्टन के द्वारा लगा दें यहां पर, तो अब क्या होगा, परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस की फिनोमिनन शुद्ध विलायक से विलयन में नहीं होगी, बल्कि विलयन से विलायक में होने लगेगी। जब हम विलयन के ऊपर उसके परासरण दाब से अधिक का दाब लगा देते हैं, तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलयन से शुद्ध विलायक में होती है, मतलब विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन में नहीं होता है, बल्कि विलयन से किधर होने लगेगा, विलायक में होने लगेगा, यानी परासरण विपरीत दिशा में होने लगेगा। इसी को कहते हैं प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो प्रतिलोम परासरण की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या हो सकती है कि जब किसी विलयन के ऊपर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्ध पारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन में नहीं होता है, बल्कि विलयन से शुद्ध विलायक में होने लगता है। इसी को कहते हैं प्रतिलोम परासरण। व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे एक तरफ हम शुद्ध जल लें, प्योर वाटर जो एक प्रकार का सॉल्वेंट है, विलायक है, और दूसरी तरफ हम कोई विलयन लें, जैसे विलयन क्या ले सकते हैं, सी वाटर, समुद्री जल, बीच में क्या लगा दिया, अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अब पिस्टन के द्वारा हम प्रेशर डालें, इतना प्रेशर डालें, कितना डालें, जितना विलयन का परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उससे अधिक का दाब पिस्टन के द्वारा यहाँ पर डाल दें, तो अब विलायक के अणुओं का प्रवाह यानी ऑस्मोसिस की फिनोमिनल विलयन से सॉल्यूशन से किसमें होने लगेगी,
सॉल्वेंट में, इसी को कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। यह फिनोमिनन देखे होंगे और मशीनों में होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में, या समुद्री जल का अगर शोधन करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर किया जाता है, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस की फिनोमिनन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो परासरण दाब से संबंधित कुछ नियम हमें पढ़ने हैं, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने हैं। ये देखो कहाँ से आया लॉज, ये दिया था वान्टहाफ ने 1887 में। इन्होंने क्या देखा वान्टहाफ ने, कि जिस तरीके से किसी कंटेनर में गैस भरी होती है तो गैस के अणु जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार तनु विलयनों में विलायक के अणु भी करते हैं, सॉरी तनु विलयनों में विलेय के अणु भी करते हैं। जिस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में बिहेव करते हैं, उसी प्रकार का बिहेवियर डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स भी करते हैं। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो गैस के प्रेशर के तरह से ही हो जाता है, तो जितने भी गैसियस लॉज हैं उनको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी गैसीय नियम हैं उन नियमों को हम तनु विलयनों पर डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लागू कर सकते हैं। तो जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब पढ़ा हुआ होगा, ठीक उन्हीं सारे लॉज, उन्हीं सारे नियमों को लागू करने पर हमें क्या मिलता है, बॉयल वान्टहाफ लॉ, चार्ल्स वान्टहाफ लॉ, वान्टहाफ सॉल्यूशन इक्वेशन। अभी क्या है देखिए, देखो बॉयल के लॉ को, बॉयल के नियम को वान्टहाफ ने क्या कर दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन पे लागू कर दिया, और उन्हें क्या देखा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब भी उसके मोलर सांद्रण, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पी क्या है, परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, सी क्या है, विलयन का मोलर सांद्रण, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी विलयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रण जितना ज्यादा होगा उसका परासरण दाब भी अधिक होगा, सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। दूसरा क्या, चार्ल्स वान्टहाफ लॉ, चार्ल्स वान्टहाफ लॉ क्या होता है कि एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है ना, स्थिर ताप, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब पी उसके परम ताप टी के समानुपाती होता है। यही क्या है, चार्ल्स वान्टहाफ लॉ है। अब इन दोनों नियमों को संयुक्त करने पर, मिलाने पर, इन दोनों लॉज को कंबाइंड करने पर वान्टहाफ सॉल्यूशन इक्वेशन, वान्टहाफ का विलयन समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, स्थिर ताप पर और स्थिर सांद्रता पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों को मिला दिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड T। अब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो यहाँ पे एस क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बैलेंस अरेंज करके हमने क्या कर दिया, पी इक्वल टू सी एस टी, पी क्या है, विलयन का परासरण दाब, सी क्या है, विलयन का मोलर सांद्रण, सी विलयन स्थिरांक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी क्या है, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब पी इक्वल टू सी, सी क्या है, मोलर सांद्रण, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, याद होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही मोलरता, मोलरिटी में पढ़े हो गए, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोल की संख्या n बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोल की संख्या नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन लीटर में रहेगा, n बाई वी, तो C की जगह लिख सकते हो n बाई वी एस टी, और V को इधर ट्रांसफर कर लो, क्या V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पी वी इक्वल टू n एस टी, n क्या है, मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो n की जगह w बाय m लिख दिया, w क्या है, विलेय का भार,
वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलेय का अनुभार मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट यस इन टू टी, तो एक इक्वेशन ये प्राप्त हो गया। तो ये सब चीजें क्या हो गई, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए कुछ और भी बातें जानी जाए। देखो जानते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन। देखो समपरासरी विलयन का मतलब क्या होता है, ठीक, समपरासरी विलयन का मतलब क्या होता है कि अब देखिए किसी कंटेनर में हम क्या कर दें, यहां लगा दें, क्या लगा दें, अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम लगा दिया, एक तरफ हमने एक सॉल्यूशन लिया, एक विलयन लिया, दूसरी तरफ क्या करते हैं दूसरा विलयन लेते हैं, ठीक है ना, बात सुनिए भाई। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इस विलयन की C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C2, इस विलयन की सांद्रता C1, इसकी सांद्रता C2 है, एक इसका परासरण दाब P1, इसका परासरण दाब P2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 कर दिया जाए, तो अगर इन दोनों के परासरण दाब बराबर है, समान ताप पर इन दोनों विलयनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान है, तो इनका सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, तो ऐसे विलयन कहलाएंगे समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। जो विलयन समपरासरी होते हैं उनके परासरण दाब भी समान होते हैं और उनके मोलर सांद्रण भी समान होते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो गिवन टेम्परेचर पर सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, और जो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते ही होते हैं, इसके अलावा उनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर सांद्रण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखो अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हो, ठीक है ना, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 P2 कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 है, अब इसमें मान लीजिए इस सॉल्यूशन का, इस विलयन का परासरण दाब अधिक है, इसका परासरण दाब ज्यादा, इसका परासरण दाब कम है, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, अधिक होगा, जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी अधिक होगा, तो जिस सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा यानी परासरण दाब अधिक होगा उसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बात सुनिए फिर से, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, ठीक है ना, उसका मोलर सांद्रण भी अधिक होगा उसे कहेंगे अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे कहेंगे अल्प परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसका मोलर सांद्रण भी अधिक होता है उसे कहेंगे अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे कहेंगे अल्प परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे दो सॉल्यूशन लिए जाएं जिनमें एक का परासरण दाब अधिक हो दूसरे का कम हो, अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरी विलयन और कम परासरण दाब वाला विलयन अल्प परासरी विलयन कहलाएगा। द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है। अच्छा अब देखो एक तरफ हमने क्या लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी तरफ क्या ले लिया, एक तरफ लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दूसरी तरफ लिया
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपर मतलब क्या होता है, अधिक ज्यादा, हाइपो मतलब क्या होता है, कम बिलो। तो अब देखो क्या हो गया, बीच में लगा दिया एसपीएम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस की फिनोमिनन किधर से किधर होगी, परासरण की क्रिया किधर से किधर होगी, परासरण हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ही होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे। अगर हम अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन को अर्ध पारगम झिल्ली से अलग कर देते हैं तो परासरण की क्रिया किधर से किधर होती है, अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर होती है। परासरण की क्रिया मतलब अर्ध पारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह होगा किधर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, थैंक यू।